जो साथ में रहे, जिन्होंने भिक्षा की जैसी भी सेवा की, मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ कि उनको कृष्ण प्रेम अवश्य मिलेगा। जिन्होंने जरा सा भी साथ दिया उसको कृष्ण प्रेम अवश्य मिलेगा, ये महाप्रभु जी बोलते रहे। आनंद बाजार से प्रसाद इकट्ठा किया, फिर भक्तों को भंडारा किया, ये सब लीला जो है आपको चैतन्य चरितमृत के अंदर में मिलेगी। परंतु जब यहाँ पे आते हैं तो हरिदास ठाकुर को हमने देखा नहीं, उनकी महिमा को सुना, किससे सुना, वैष्णवों के मुख से। उन्हीं हरिदास ठाकुर के जो धारा में चलते आए वैष्णव महाराज जी लोग, गुरुदेव जो है हमारे, उनको याद करके उनके चरणों में प्रार्थना करनी है कि हे गुरुदेव, जैसे हरिदास ठाकुर जी ने किया वैसा ही नाम में रुचि जो है हमें प्रदान कीजिए, वैष्णवों में करना है। कौन मिलाने वाला है भगवान से? वैष्णव मिलाने वाले हैं। वैष्णव जो है वो गुरुदेव से मिलाते हैं, गुरुदेव परंपरा के अनुसार जो है कृष्ण तक पहुंचाएंगे। तो वैष्णवों को नहीं छोड़ना, क्यों? वैष्णवों के चरणों को नहीं छोड़ना। महाप्रभु जी ने ग्रस्त के लिए दो ही बातें बोली, एक तो कि वैष्णव सेवा और दूसरा हरिनाम। क्या करना है? वैष्णव सेवा करना है और हरिनाम करना है। पहले पांच बोला, जब ग्रस्तों ने आके प्रश्न किया कि हमसे नहीं हो रहा, तो महाप्रभु जी समझ गए कि हमसे पांच भी नहीं हो रही इनसे, तो उन्होंने तीन कर दिया। पहले भगवत श्रवण, मथुरावास, वैष्णव सेवा, साधु संग और विग्रह सेवा, श्री विग्रह सेवा, ये पांच बोला। जब नेक्स्ट ईयर ग्रस्त लोग आए तो उन्होंने काट के तीन कर दिया। क्या कर दिया? वैष्णव सेवा, साधु संग और हरिनाम, तीन कर दिया। जब देखा कि तीन भी नहीं हो रहे तो दो कर दिया। क्या? वैष्णव सेवा और हरिनाम करने से ही वो लोग धाम की प्राप्ति हो जाएगी, वैष्णव संघ हो जाएगा। ये दो काम ही करते हैं, वैष्णव सेवा और हरिनाम करना है प्रॉपर। अगर हरिनाम हो जाए ना, गुरु वैष्णव को याद करके हरिनाम करना, आपका हरिनाम अवश्य होगा। बोल वृंदावन में हरिलाल की, हरिदास ठाकुर की वंशा कल्पतरु कृपा सुनम भाव्यो वैष्णव्यो हरिदास ठाकुर। हम लोग ने महाराज से सुन लिया ना, सुन रहे कि सो रहे हो? देखो, हम लोग गुरु वैष्णव के आनुगत्य में अभी जिस स्थान पर आए हैं, ये हरिदास ठाकुर का समाधि स्थली है। कहते हरिदास ठाकुर जी कौन है? कहते ये दो मिल करके ये हरिदास ठाकुर हुए। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जगत में जब आए और अकेले नहीं आए, इसलिए भक्त विनोद ठाकुर कहते हैं ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीव दया कारी सपार सदसी बता। भगवान अपना धाम और परिक्रम को लेकर के इस जगत में आते हैं, अकेले नहीं आते। इसलिए महाप्रभु ने क्या किया, कहते एक एक भक्तों के द्वारा उन्होंने एक एक चीज को स्थापन किया है। कहते किसको द्वारा किया स्थापन किया? कहते उन्होंने श्री जीव गोस्वामी को द्वारा उन्होंने सिद्धार्थ को स्थापन किया। कहते श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को द्वारा उन्होंने श्री रसों को स्थापन किया। कहते श्री सनातन गोस्वामी को द्वारा उन्होंने संबंध ज्ञान को स्थापन किया है। कहते श्री हरिदास ठाकुर को द्वारा उन्होंने क्या करवाया? कहते इनको द्वारा उन्होंने नाम को स्थापन किया। इसलिए इनका नाम अभी महाराज बता रहे थे ना, इनका नाम श्री नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर। कहते ये नाम के आचार्य। लेकिन अभी नाम हमें कैसे करनी चाहिए, नाम हमें कैसे करनी चाहिए? इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भगवान का नाम करना तो कहते चार ही गुणे गुणी हरिया करो कीर्तन। कहते जब तक चार गुण नहीं आए ना, तब तक हरि कीर्तन नहीं कर सकते। बोले चार गुण क्या है? बोले त्रिणा दपि सुनिचे न तर रपि सही सुना अमानी नांग मान दे न कीर्तनिया सदा। इसलिए कहते त्रीण से भी ज्यादा दीनहीन बन करके, पेड़ से भी ज़्यादा सहन शक्ति हो, सबको उपयुक्त सम्मान दे और कभी सम्मान के भूखे बंधन, सभी को सम्मान दो। इसलिए जब तक ये चार गुण नहीं होगा ना,
तब तक हरिनाम नहीं कर सकते, क्योंकि कहते भक्ति मार्गों को बताया भक्ति मार्ग ही या छोटी कंट गुरु का। भक्ति मार्ग बड़ी बड़ी करोड़ कांटा युक्त है, बोले खुरस धारा तया निशित दुर्गम सतपथ कबरों बदलती। जैसे किसी ब्लेड को पर चलो ना, अपना सही करते ना ब्लेड से, थोड़ी सी इधर उधर होगा ना कट जाती है। कहते ये भक्ति मार्ग भी बड़े हैं, ये भक्ति मार्ग बड़े लटपट रास्ता है, उसमें बड़े बाधा भी बनी है। इसलिए बोले भक्ति अजुते न गोविंद, अगर सच बोले तो सौ बाधा, तपस्या करो तो हजार बाधा, लेकिन अगर गोविंद का भक्ति करने के लिए जाओ ना, देखना दुनिया तुम्हारी पीछे बढ़ जाएगी। अगर कोई शराब पी रहा है ना, बोले खूब शराब पी रहा है, जुआ खेल रहे हैं, लड़कीबाजी कर रहा है, सिगरेट फूंक रहे, बोले बस बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन गले में थोड़ा कट्टी पहनी, तिलक लगा लो, चोटी लगा लो, बोले ये क्या है। बच्चा अगर गलत काम करता है तो कुछ बोलेगा नहीं है, लेकिन थोड़ा बच्चा अगर प्रभु का भजन करना शुरू करते, बोले जी को ये तेरा कोई उम्र है भजन करने का, अभी से क्या कट्टी तिलक माला लगा लिया, लेकिन सिगरेट घूमता शराब पीता है ना, कोई कुछ बोलेगा नहीं। इसलिए बीरा ने जब भजन की, देखना सारा दुनिया जेठ देवर पति ननद सब इसकी विरोध बन गए, सारा दुनिया उनका विरोध बन गया उसकी है। इसलिए श्री हरिदास ठाकुर ये शिक्षा देते हैं, भैया अगर भक्ति करने के लिए जाओगे तो भक्ति मार्ग की कोटी कंट गुरु था, ये करोड़ कांटा जुटता है, बड़ा बाधा विपत्ति आएगी, लेकिन ये सारे बाधा विपत्ति आते हुए भी सारे बाधा विपत्ति को तोड़ करके फाड़ करके हम कैसे भक्ति मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं। यदि ये हरिदास ठाकुर का जीवन चरित्र से ये बड़ा दृढ़ विश्वास व ज्वलंत ये प्रमाण है हरिदास ठाकुर। इसलिए कहते हैं हरिदास ठाकुर ब्रह्मा और ये प्रह्लाद, ये दोनों मिलकर के श्री हरिदास ठाकुर हुए। जैसे प्रह्लाद महाराज का चरित्र आप सुने होंगे, जब वो प्रभु का भजन करना चाह रहे थे, कैसे उसको पिता ही उनको मारने के लिए कोशिश की, पहाड़ का ऊपर से फेंक दिया, पानी में फेंक दिया, हाथी को पैर नीचे पिछवाने के लिए कोशिश किया, काल कोठरी में बंद कर दिया, उसको जहर पिलाया, पता नहीं उनने क्या किया नहीं किया उसको मारने के लिए, लेकिन प्रह्लाद महाराज ने दुनिया छूट गया लेकिन प्रभु का भजन नहीं छोड़े। शिक्षा देते हैं भैया भगवान की भक्ति करना तो भक्ति मार्ग ये सूर वीरों का मार्ग, ये कायरों का मार्ग नहीं है, ये दर्पकों के लिए मार्ग नहीं, ये भक्ति मार्ग किसका, सूर वीरों का मार्ग है। जैसे जब सूर वीर युद्ध करते हैं ना, देखना शरीर में जितने उसकी प्रहार हो उसका खून उतना उबलता है, ठंडा नहीं बजता उतना उबलता है। इसलिए भक्ति जगत में अगर बाधाएं आए तो ऐसे नहीं थोड़ी बड़ी कुछ बाधा हुई है हरिनाम माला को छोड़ दी, खाना नहीं छोड़ेंगे, पीना नहीं छोड़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, पहले माला ही छोड़ते पहले। इसलिए ऐसे नहीं भले ही जितने बाधा विपत्ति आ जाए क्या करना, बल्कि आगे और बढ़े भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। इसलिए ये हरिदास ठाकुर का जीवन में ये त्रिनाद भी सुने चेन तरव भी सही सुना, ये जो श्लोक है ना, अगर किसकी जीवन में देखोगे श्री हरिदास ठाकुर का जीवन में देखने को मिलता है। बोले श्री हरिदास ठाकुर की, अरे जोर से बोलो, सो गए ना क्या, बोले श्री हरिदास ठाकुर की। इसलिए जो हरिदास ठाकुर है, इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं वैष्णव बनते मन छिलो स्वाद, लेकिन त्रिनाद भी सुनिचि चौके पड़ी गल बात, समझ रहे हो। पहले तो सोच रहे थे हम साधु बनेंगे वैष्णव बनेंगे, लेकिन जब हमने सुना महाप्रभु कहते हैं भैया भक्ति करना तो ये त्रिनाद भी सुनिचि श्लोक को फॉलो करते हो, उसको सुना ना, बोले भैया हम तो ये नहीं कर सकते, हम तो ये नहीं कर सकते, बिना दीदी से भी ज्यादा दीदी कैसे बने है, कैसे बने। इसलिए हरिदास ठाकुर का जीवन में जब ये हरिनाम करते थे, जब इनको काजी ने चार पांच बोले खबरदार हरिनाम नहीं कर सकते हो, कहाँ कितने सौभाग्य से तुम मुसलमान घर में जन्म हुए हो, हम हिंदुओं का परछाई स्पर्श करने से स्नान करते हैं और तू इतने भाग्य से मुसलमान घर में जन्म हुए और ये हिंदू वाणी ये हरे कृष्ण नाम करते, खबरदार ये हरे कृष्ण नाम कर नहीं सकते हो। देखो उसने क्या बोले, बोले खंड खंड हरी जति जाए देह प्राण, अगर मेरे शरीर को तुम बोटी बोटी कर कर काट डालोगे ना, तथा बिना छारी और मुखे हरि नाम, तब भी मैं भगवान का नाम है नहीं छोड़ूंगा। इसलिए उनको 22 बाजार में पिटाई की,
लेकिन जितने जोर से पीट रहे थे ना उतना जोर से हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे उतना जोर जोर से हरि नाम कर रहे थे हरि नाम छोड़े नहीं हरि नाम उन्होंने नहीं छोड़े इसलिए प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर जब अंतिम समय का ये उपदेश है सत्य लांछना सत्य गंजना सत्य अपमान सुन कर भी हरि भजन नहीं छोड़ना समझ रहे हो भले जीवन में जितने बाधा विपत्ति क्यों नहीं आए लेकिन कभी प्रभु का भजन नहीं छोड़ो अरे दुनिया तुम्हारी छूट गया एकदम तो छूटना दुनिया तुम नहीं चाहने पर भी दुनिया तेरे को छोड़ देंगे हाँ बोले आप कैसे हो बोले जब तक जेब में पैसा हो पैसा कर तुमको समझ रहे इसलिए दुनिया तो एकदम छोड़ ही देंगे इसलिए दुनिया छूट जाए लेकिन प्रभु का भजन नहीं छोड़ती कि हरिदास ठाकुर का जीवन से इतना चीज गांठ बांध करके ले जाओ इतना चीज केवल भक्ति जगत से इतना चीज गांठ बांध करके ले जाओ जितने जीवन में भक्ति आने पर भी हम भगवान के भजन हम नहीं छोड़ेंगे इसलिए उन्होंने इतना भजन किया हरिदास ठाकुर जी हम शाम को जाएंगे फिर हम सिद्ध गोकुल जाएंगे वहाँ पर कथा सुनेंगे लेकिन इनको इतने भजन किया है इतने इसलिए जब इन्होंने शरीर छोड़े महाप्रभु केवल जीवन में दो व्यक्ति को गोद उन्होंने उठाया है एक है हरिदास ठाकुर और एक है ताजी है केवल हरिदास ठाकुर को महाप्रभु भगवान ने स्वयं जिनको गोद में उठाकर ले जाए जो कोई कम भाग्य है क्यों उठाकर ले जाते हैं कारण यही है सारा जीवन भगवान के भजन किया हर कलि युग धर्म है नाम संकीर्तन ऐसा का अर्थ अवतीर्ण श्री सच्चिदानंद कलि युग का जो युग धर्म है ये हरिनाम संकीर्तन है इसलिए वो तीन तीन लाख हरिनाम करते थे महाप्रभु हमें सिखा देते हैं एक दिन मैं भी तुम्हें गोद में उठा लूंगा अगर तुम भी ऐसे हरिनाम करोगे तो मैं भी एक तुमको दिन अपना गोद में उठा कर ले जाऊंगा और महाप्रभु को गोद में उठा करके लाए क्या किया समुद्र में स्नान कराए यहीं पर देखो महाप्रभु क्या कहते हैं बोले समुद्र के समुद्र को यहाँ महासमुद्र कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी का जितने पवित्र नदी है कहाँ मिलती है समुद्र गंगा जमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी कहाँ मिलती है समुद्र और ये स्वर्ग द्वार साधारण स्थान नहीं लेकिन समुद्र में सारे पवित्र नदी मिलती है महासमुद्र है लेकिन देखो वैष्णव का महिमा महाप्रभु दिखा रहे हैं जब उन्होंने हरिदास ठाकुर जी को उसमें स्नान कराया महाप्रभु कहते समुद्र अभी तक तुम केवल तीर्थ था लेकिन इसी हरिदास ठाकुर का स्पर्श से तुम तीर्थ नहीं तुम महातीर्थ हैला तुम तीर्थ में तीर्थ तो जितने तीर्थ में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ महातीर्थ हैला देखो इस जगत में जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है अगर हम उसको स्पर्श करते हैं क्या होता है स्पर्श करके हम स्नान करते हैं मरने के बाद मुर्दा हो जाता है उसको स्पर्श करके हम स्नान करते हैं ना फिर तेरह दिन तक हम लोग अपवित्र रहते हैं लेकिन उन्होंने शरीर छोड़ने का बाद में भी है वो शरीर छोड़ने के बाद में भी महाप्रभु कह रहे हैं क्योंकि जन्म कर्म बंधन वैष्णवाना चबित्य थे वैष्णव का जन्म कर्म नहीं है वो दिव्य है वैष्णव का शरीर अपराध दिव्य है इसलिए कहते हैं इनका शरीर छोड़ने का बावजूद भी कहते इनके शरीर स्पर्श समुद्र तुम तीर्थ नहीं तुम आज से महातीर्थ हो गया तीर्थ में भी सर्वश्रेष्ठ तीर्थ बन गए फिर महाप्रभु उनको यहीं पर समाधि दिया भगवान स्वयं अपने हाथों से उन्होंने उनको समाधि दिया है समाधि दे करके महाप्रभु ने इनका नाम हो गया समाधि बोले समाधि का मतलब क्या होता है देखो जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है उसको शमशान कहते हैं क्या कहते हैं क्या बोलते हैं शमशान कहते हैं जब हम वहाँ पर जाते हैं ना हम स्नान करना पड़ता है शमशान में जाने पर स्नान करते कि नहीं करते हो ना हम अपवित्र होते हैं लेकिन जब वैष्णव लोग जहाँ पर शरीर को उनको शरीर को जहाँ समाधि देते हैं हम यहाँ पर आकर प्रणाम करते हैं पवित्र बनते हैं यहाँ पर आकर बोले क्यों बोले जो वैष्णव का जो शरीर अपराध में जुट गए हैं इसलिए हम कहते हैं मरना नहीं कहते हैं साधारण व्यक्ति जब शरीर अगर मर गया
लेकिन वैष्णव मरना नहीं, हम तो अप्रकट हो गए। तिरुभाव महोत्सव है, तिरुभाव महोत्सव उत्सव मनाते हैं, इसलिए अप्रकट। अप्रकट मतलब क्या, जैसे भगवान इस जगत में अपना धर्म स्थापन करने के लिए आते हैं और जब इच्छा होता है चले जाते हैं, उसी तरह वैष्णव लोग भी भगवान की इच्छा से इस जगत में आते हैं और आकर क्या करते हैं, दुनिया को कृष्ण प्रेम की बाढ़ में बहाते हुए, जब इस दुनिया से विजय प्राप्त करते हुए अनंत जीवन को कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम दे करके जब वैकुंठ विजय गोलोक वृंदावन जाते हैं, वहाँ पर श्री राधा गोविंद वहाँ पर उत्सव मनाते हैं। बोले क्यों, बोले एक मंजरी सखी ये वर्ष जगत में जा करके अनंत जीवों को उन्होंने कृष्ण प्रेम की बाढ़ में बहाते हुए विजय करते हुए कहाँ पर आए, श्री गोलोक वृंदावन में आए। इसलिए हम लोग उसको महोत्सव कहते हैं। इसलिए हरिदास ठाकुर ये समाधि, समाधि किसे कहते हैं, कहते आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, कहते जो समाधि को बताया ये साधन का जो अंतिम स्थिति है ये समाधि। जब साधक साधन करते करते एक दिन ये मन को संपूर्ण रूप में भगवत चिंतन में डुबो देते हैं, उसको कहते समाधि। समाधि जब बुद्धि को संपूर्ण प्रभु के चरण में डुबो देते हैं। इसलिए अभी भी हरिदास ठाकुर यहाँ बैठे हैं, वो मर नहीं गए, वो मरने गए, वो कहीं गए नहीं, अभी यहीं पर समाधि मतलब क्या, अभी भी यहीं पर बैठ कर भजन कर रहे हैं। तभी तो हम आकर के प्रार्थना करते हैं, वैष्णव ठाकुर हरिदास ठाकुर जी आप हम सबको पर कृपा करो, जैसे आपने हरिनाम किए हैं हम जैसे ऐसे निरपराधी होकर के हम भी जैसे आप जैसे नाम निष्ठा हो, नाम का प्रति हमारी श्रद्धा हो, आप जैसे हर समय हरे कृष्णा 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 ठाकुर कहते हैं जैव धर्म में कौन कितना बड़ा वैष्णव उसका मापदंड क्या है। हम कहते ना कनिष्ठ मध्यम उत्तम, अरे कनिष्ठ 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 मध्यम कनिष्ठ उत्तम मध्यम कनिष्ठ मध्यम 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 उत्तम, अरे उत्तम में कनिष्ठ उत्तम में मध्यम उत्तम उत्तम। तब भक्तिमन ठाकुर कहते हैं भक्ति का मापदंड क्या है, तो कहते हैं जो जितना निरपराधी हो करके जो जितना शुद्ध हरिनाम करता है उतना परिमाण में ही वैष्णव है। जो जितने शुद्ध नाम करता है, अभी तो हम तो अपराध करते हैं, शुद्ध नाम तो होता है, हम अपराध अपराध करते जा रहे हैं, वैष्णव का निंदा गुरु अवज्ञा है, कितना जो तरह तरह का अपराध करते जा रहे हैं, इसलिए हमारा अपराध अपराध हो रहे हैं। इसलिए हरिदास ठाकुर से प्रार्थना करो, जब इसलिए नियम है ध्यान देकर सुनो, कहते नियम है बोलो ध्यान देकर सुनो, इसलिए कहते नियम है जब हरिनाम करो ना, जब माला को शुरू करो पहले क्या करो, पहले गुरु जी के चरण में प्रणाम करो, हरिदास ठाकुर का चरण में प्रणाम कर, हे हरिदास ठाकुर अब हम सबको परम कृपा करें, जैसे हम निष्कपट होकर के निरपराध पूर्वक हरिनाम को हम कर सके, आपका कृपा से ही। कहते ना कृष्ण से तो मार कृष्ण जीते पार है कृष्ण उनका ही है, वही अगर कृपा करके कृष्ण को दे देना चाहते हो ही हमें कृष्ण दे सकते हैं। इसलिए क्या करो, वैष्णव का पीछे पीछे, वैष्णव का आगे आगे नहीं चलनी चाहिए, वैष्णव का आगे आगे वैष्णव का नहीं चलनी चाहिए, वैष्णव का किधर चलो, गुरु जी की किधर से चलो, ऐसे नहीं गुरु जी जा रहे हैं उनको आगे लगन करके, नहीं ऐसे नहीं करनी चाहिए। जब गुरु वैष्णव चलते हैं गुरु जी की वैष्णव का पीछे पीछे चलो, आगे आगे नहीं चलनी चाहिए, हैं? तभी एक दिन हमें गुरु वैष्णव का कृपा मिलेगा, उनकी कृपा मिलेगा तो ठाकुर का कृपा अपने आप हमें मिल जाएगी। ठीक है, बोले श्री हरिदास ठाकुर की, सचिनंदन गौर हरि की, गुरुपाद पद्म की, गौर प्रेमानंद।
हरे कृष्णा। अभी हम लोग अपना मंदिर में वापस चलेंगे, अभी हम लोग अपना मंदिर में जाएंगे। और सुना ध्यान से, आज शाम को 4 बजे, कितने बजे? 4 बजे फिर हम लोग दर्शन करने जाएंगे। हरिदास ठाकुर जी का भजन छुट्टी दी है, जहाँ पर सिद्ध बकुल महाप्रभु ने एक दांतुन को काट दिया ना, वो दांतुन विशाल वृक्ष हो गया है, जहाँ पर हरिदास ठाकुर भजन करते थे। फिर गंधिया जाएंगे, महाप्रभु जहाँ पर 18 साल तक भजन किया है, वहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य भवन जाएंगे, जहाँ पर महाप्रभु सर्वभूज रूप में दर्शन दिया गंगा माता गोस्वामी की है, वहाँ पर श्वेत गंगा दर्शन करके गंगा जहाँ पर प्रकट हुई थी। फिर अंतिम में हम जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगे अंतिम में, इसलिए पीछे पीछे सबके सब चलना। फिर जगन्नाथ जी को दर्शन करके फिर वापस आएंगे रात को, ठीक है? और वापस आने पर प्रसाद हम लोग का, फिर प्रसाद आज जगन्नाथ जी का प्रसाद है, खीर प्रसाद है जगन्नाथ जी का, राबड़ी प्रसाद, चाटनी प्रसाद, चावल प्रसाद और डालना जगन्नाथ जी के प्रसाद मिलेगा आज, ठीक है? और जो कल है, कल हम लोग जाएंगे आलारनाथ। कहाँ जाएंगे? कहाँ जाओगे? आलारनाथ, जहाँ पर ठाकुर जी है गर्म खीर खाने के लिए गए। उन्हें जब गर्म खीर खाने के लिए गए ना, एकदम उनका अंगूल, उनका जो होठ छाती पर उनको खीर गर्म खीर गिरा तो अभी भी वो फोफला पड़ा हुआ है। वो ठाकुर दर्शन कर गए, ठाकुर के शरीर में फोफला पड़ा हुआ। ये जो ठाकुर सत्य युग में पितामह ब्रह्मा जी, ये ठाकुर जी को पितामह ब्रह्मा जी उपासना करते थे, सत्य युग का वो ठाकुर जी है, आप दर्शन करोगे। इसलिए कहते हैं ना, कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं सबरी के जैसे, तो कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं बोले भैया जसोदा जैसे, तो कोई कहते हैं भगवान आते नहीं बोले द्रौपदी जैसे, तो कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं ब्रज गोपिया जैसे, तो इसलिए भगवान सब कुछ करते। लेकिन वहां पर देखोगे कैसे उनकी फफला पड़ा हुआ देखोगे ठाकुर जी की, ठीक है? वो देखोगे और वहां बहुत सारी कथाएं हैं कैसे वो ठाकुर जी, कोई पिता उसको बच्चे को बोल कर गया ठाकुर खाना खिला देना, लेकिन ठाकुर जी खाना के खा नहीं रहे थे, रोने लग गया तो ठाकुर जी स्वयं खाने लग गए, ठाकुर जी स्वयं खाने लग गए। वो ठाकुर जी के कल हम दर्शन करने के लिए हम लोग जाएंगे, ब्रह्मगिरी जाएंगे, राय रामानंद जन्म स्थान जाएंगे। आज भी महाप्रसाद है और कल भी जगन्नाथ जी का महाप्रसाद। कल भी रात को हमारे जो रसिया के भक्त लोग ने, रूसी रसिया का भक्त लोग ने, कल भी जगन्नाथ जी का प्रसाद रसिया का भक्त लोग दे रहे हैं। इनके जोरदार ताली बजा दो। रसिया के भक्त आज दोपहर में भी आपके लिए आइसक्रीम मंगाएंगे। आइसक्रीम खाते हो? आइसक्रीम आपके लिए रसगुल्ला मंगाएंगे और हमारे श्री ईश्वरपुर बाद सबको आइसक्रीम खिलाएंगे सर। इनके लिए ताली बजा सबको आइसक्रीम खाएंगे। हरे कृष्णा। अभी हम लोग देखो, अभी हम लोग मंदिर में चलेंगे, लेकिन यहाँ से मंदिर दूर है, मंदिर यहाँ से दूर है, इसलिए हम लोग जाएंगे, जो मंदिर जाएंगे यहाँ से गाड़ी करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ से ऑटो रिक्शा करेंगे, मुझे लगता है एक व्यक्ति 25-25 रुपया करके ऐसे चले।